الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام درو شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وعلى آلہ سیدنا صدر محترم علماء کرام حاضرین محترم السلام علیکم میں مختصر وقت میں اس آیت کی تشریح اور حدیث کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا حق تعالی شانہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اس کا تقوی اختیار کرو وقولو قولا سدیدا سیدھی سچی بات کہا کرو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی سے اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور اس آیت کا محصل یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا آیت کے ضمن میں میں یہ بات عرض کروں گا ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اے صاحبان ایمان اے ایمان والے اللہ سے ڈرتے رہو خوف الہی پیدا کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول میری نظر سے گزرا فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے کوئی آیت شروع ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے مکے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیات شروع ہوتی ہیں ان کی تعداد 83
और इत्तफाक यह है कि मदीने की जिंदगी में गजवात और सराया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के अरसे के अंदर ये फरमाए हैं, गजवा हो जिसमें खुद हुजूर शरीक हुए हों, या सरिया हो कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए बल्कि आपके हुक्म से सहाबा किराम ने अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद किया है, तो जितने भी गजवात वगैरह हैं इनकी तादाद भी 83। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मक्के की जिंदगी के अंदर या अय्युहल लदीना आमनू की आयतें नाजिल नहीं हुई बल्कि मदीना मुनव्वरा के अंदर आयतें नाजिल। चूंकि यह आयत मैंने मुंतखब की है तो मैं चाहूंगा कि जिमनी तौर से यह बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि इसकी मसलहत क्या है कि मक्के के अंदर या अय्युहल लदीना आमनू से कोई आयत शुरू नहीं हुई, मदीने की जिंदगी से शुरू हुई। हालांकि अगर देखा जाए तो मक्के की 13 साल की जिंदगी नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे किराम के लिए शदीद तरीन जिंदगी है, मसायब से भरपूर जिंदगी है। वो मसायब और वो परेशानियां हैं कि जिनके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते, उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और जाहिर बात है कि एक इंसान जो तकलीफें बर्दाश्त करता है वो उसके ईमान की कुव्वत ही होती, वो ईमान की कुव्वत कि जो उसको अपनों में गैर बना देती है, हक परस्ती की खातिर वो अपनों से कटकर रह जाता है और दिन रात जद्दोजहद और वो कोशिश करता है, ये ईमानी की ताकत के जरिए कर सकता है वो कि जिसके दिल में ईमान घर कर गया। तो दरहकीकत मक्के की जिंदगी के अंदर तो ईमान वालों का ईमान बड़ा ही मजबूत ईमान, उनका तो वो ईमान है कि जिसकी कसम खाई जा सकती। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की जिंदगी में तकलीफें बर्दाश्त की और आपके सहाबा ने बर्दाश्त की, यकीनन आप उलमाए किराम से उनको सुनते रहते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर भी खाए हैं, तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं। वो मक्के की गलियां कि जहां जब सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो आलम यह है कि देखने वाले ये कहते हैं तुम जानते हो ये कौन है, ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्लाह के बेटे हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। अरब के लिए फख्रो इंबिसात का सरमाया है, इनकी वो शान है कि ये दयानतदार हैं, ये अमानतदार हैं। कोई सादिक कह रहा है, कोई अमीन कह रहा है, कहीं आपकी दयानत तो अमानत के साथ आपके तदब्बुर के ऊपर, आपकी तदाबीर के ऊपर लोगों को एतमाद। अजीब और गरीब बात है कि 40 साल तक वो मक्के की जिंदगी कि जिसकी गलियों के अंदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारी है, आप वहां से गुजरते रहे, आज तारीफों के डोंगरे बरसाए जा रहे हैं, आज तारीफों के फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक इनकलाब यह बर्पा होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान की बात फरमाते हैं, जब इस्लाम की सच्चाई को आप सामने लाते हैं, तो फिर वही गलियां हैं, वही बाजार हैं, वही मक्के की सरजमीन है, लेकिन आज आप अपनों के अंदर ऐसे अजनबी हो चुके हैं कि वो लोग जो तदब्बुर पर, तफक्कुर पर, आपकी तदाबीर पर एतमाद किया करते थे, जो आपकी तारीफें क्या करते थे, आज आलम यह है कि नाउज़ बिल्ला फ़क़ मदहन, कोई आपको दीवाना कह रहा है, कोई आपको शायर कह रहा है, कोई ये कहता है कि शायद किसी काहिन का असर है, कोई कहता है किसी जिन का असर है। कितनी बड़ी एक तब्दीली आ गई। तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम का आलम यह है कि ईमान की खातिर मक्के के अंदर कहीं वो बैतुल्ला शरीफ के जिसके अंदर किसी जानवर को सताना भी हराम समझा जाता था, बुरा समझा जाता, लेकिन वहां वो कि जो इंसानियत का सरमाया थे, जिन पर इंसानियत और कायनात के फरिश्ते भी फख्र करते थे, आज उन्हीं को उस बैतुल्ला के अंदर सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है। लेकिन आलम यह है कि 13 साल की जिंदगी तक कोई कितना भी सताए, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि कोई शख्स हाथ ना उठाए पूरी मक्के की जिंदगी। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला के ये आलम कि ईमान की खातिर
आपके ऊपर जो आपका मालिक था, इसका नाम भी गालिबन अबू सुफियान था, ये वो अबू सुफियानी के और नाम था, जहां तक मुझे याद पड़ता उसका नाम भी सुफियानी था। उसका मालिक हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला का मालिक क्या कर जुल्म नहीं करता था। आलम यह था कि कभी ऊंट की खाल के अंदर बंद करके सिर्फ नाक बाहर होती थी और पूरा जिस्म ऊंट की खाल के अंदर है, अरब की तपते हुए सहराओं के अंदर डाल दिया जाता था। और आलम यह था कि फिर ऊपर से मार और पीट भी थी, कभी सीने के ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता कि जिससे हिल ना सकें, और हाथों और पांव के ऊपर कोड़े बरसाए जाया करते थे। लेकिन इन तमाम तकालीफ के बावजूद कि जब आपको मारा जा रहा है, आपके हाथ और पांव पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि बिलाल हबशी ये बताओ कि क्या अब भी तुम उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लोगे, नऊज़ु बिल्लाह, जिनको दीवाना और शायर कहा करते थे। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला का एक ही जवाब था कि ए आका, तुम ये तो कर सकते हो कि बिलाल हबशी के टुकड़े कर दो, लेकिन खुदा की कसम हर टुकड़े से एक ही आवाज आएगी, अहद अहद, कि अल्लाह एक है, और हर टुकड़े से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सदाएं बुलंद होगी। ये कुर्बानियां थी। इस्लाम में सबसे पहले कतरात खून का नजराना पेश करने वाली एक खातून है जिनका नाम हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। आलम यह था कि जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अबू जहल को यह मालूम हुआ कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला इस्लाम कबूल कर लिया, अबू जहल ने पूछा कि सुमैया, मैंने सुना है कि तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया। हजरत सुमैया ने सबके सामने कहा कि हां, मैंने इस्लाम कबूल किया है और मेरे दिल के अंदर ईमान की शमा रोशन हो चुकी। कहा, तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या है, इसका हश्र क्या होगा? कहा, मैं जानती हूं इसका हश्र क्या होगा, इस माशरे के अंदर ईमान की शमा को रोशन करने वालों का क्या हश्र होता है, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूं। लेकिन जिस वक्त उसी अबू जहल ने, जैसे कि एक रिवायत के अंदर मौजूद है कि कहा कि सुमैया, तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी, हजरत सुमैया ने फरमाया कि अबू जहल, तू अपने जुल्म को आजमा, सुमैया अपने सब्र को आजमाएगी, और तू देखेगा कि ईमानदारों का सब्र कितनी बुलंदियों पर होता है। रिवायतों में आता है कि अबू जहल ने एक ऊंट में हजरत सुमैया का एक हाथ और एक पांव बांधा, दूसरे ऊंट के अंदर एक दूसरा हाथ और दूसरा पांव बांधा और कहा, सुमैया, अब भी तू अगर ईमान से तौबा कर ले, अगर अब भी तू उस शख्स का पीछे छोड़ दे जिसको तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती हो, तो तुम्हारी जान बच सकती। लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के एक ही जवाब था कि अबू जहल देर क्यों करता है, खुदा की कसम मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, तू देर क्यों करता है, तू ऊंटों का इशारा कर। कहा, मैं इशारा करूंगा, एक ऊंट इधर दौड़ेगा एक उधर दौड़ेगा, तेरे जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट थी। कहा, अबू जहल देर क्यों करता है? अबू जहल ने इशारा किया, एक ऊंट इधर दौड़ा एक ऊंट उधर दौड़ा, हजरत सुमैया के दो टुकड़े हो गए। लेकिन देखने वालों ने देखा कि सुमैया रजी अल्लाह तआला के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट थी, जब फातिहाना मुस्कुराहट हुआ करती। यह आलम है इससे बड़ी बड़ी कुर्बानी। जैसे मैंने अर्ज किया कि कौन सा वो पहलू था कुर्बानियों का कि जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने दीन के लिए पेश नहीं किया। लेकिन हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये कुर्बानी तो अपनी जगह पर हैं, इनका ईमान तो वह है कि जिनके ऊपर नाज किया जा सकता है, जिस पर फख्र किया जा सकता है। लेकिन अभी या अय्युहल्लज़ीन आमनू का जो टाइटल है, अभी इसके मुस्तहिक नहीं है। अभी इसके लिए बहुत ऊंचा मकाम है कि जहां जाकर या अय्युहल्लज़ीन आमनू का ये लकब अता किया जाएगा, और वो मदीने के अंदर। लेकिन बात क्या है, इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी या अय्युहल्लज़ीन आमनू से खिताब नहीं किया गया। वजह उसकी यह है कि कुर्बानियां बेशक अपनी जगह पर मौजूद थी, अजमतें अपनी जगह पर मौजूद हैं, काबिले फख्र कारनामे अपनी जगह पर हैं, उनके ईमान में कोई शक को शुबा नहीं, बल्कि उन्हीं के ऊपर मेहनत करने के बाद उन्हीं के ईमानों को अगर हम समझते हैं कि मदीने के अंदर भी और इस्लाम के तमाम
फुतुहात की बुनियाद यही थी, कामयाबी को बुनियाद यह थी। लेकिन बात क्या थी? बात सिर्फ ये थी कि अभी ये सहाबा कराम अपनों ही के अंदर मौजूद थे, अपने रिश्तेदारों के अंदर मौजूद थे, अपने खानदानों के अंदर मौजूद थे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, बेशक साहिबान ईमान थे, लेकिन बात जिस पर या अय्युहल्लज़ीन आमनू का टाइटल मिलना था, लकब मिलना था, वो मकाम वो था कि जहां अपनों से बिछड़ना होगा, अपने घर बार को छोड़ना होगा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी होगी कि अगर अपने बच्चों को छोड़ना पड़े तो अपने बच्चों को छोड़ा जाए, अपनी बीवी को छोड़ना पड़े, अपने बहन भाइयों को छोड़ना पड़े, अपने कबीले को छोड़ना पड़े, अपनी जायदादों को छोड़ना पड़े, अपने रुपए पैसे को छोड़ना पड़े। आज अब ये ईमान का वो इम्तिहान था कि जहां जाकर फैसला करना था, इस बात का फैसला होना था कि ईमान की पूरी कुव्वत और ताकत जो पैदा की गई, अब उसके असरात किस तौर से जाहिर होते। यह वक्त था कि जहां तमाम चीजों को छोड़ना था। यह एक आखिरी इम्तिहान था ईमान का, और इस इम्तिहान के बाद उस टाइटल को मिलना था जिसको या अय्युहल्लज़ीन आमनू का टाइटल या खिताब कहते। चुनाचे जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हिजरत फरमाई, और हिजरत भी किस तरफ? हबशे की तरफ आपने हिजरत फरमाई। थोड़े थोड़े सहाबा किराम की टोलियां बनकर मक्के से हबशे की तरफ हिजरत कर गई, और उसके बाद वो वक्त आया कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हक ताला शानू की तरफ से इशारा मिला कि अब आप भी हिजरत फरमा जाएं। जब तमाम सहाबा किराम ने इस बात को साबित कर दिया, इस बात को साबित कर दिया कि हमारे नजदीक, हाँ हमारे माँ बाप हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारी औलादें हों, हमारी बीवियां हों, हमारी जायदादें हों, हमारे कबाइल हों, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से हम हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब इस आखिरी इम्तिहान के अंदर कामयाब होकर मदीने के अंदर पहुंचे, फरमाए या अय्युहल्लज़ीन आमनू, आज तुम्हारे ईमान की कसम खाई जा सकती है। यह असल में बुनियादी बात है। मदीने के 10 साल की जिंदगी आप देख लीजिए कि वो भी कोई राहतों भरी नहीं, वो भी ऐसी नहीं कि कोई फूलों की सेज है जिसके ऊपर जाकर उन्होंने आराम किया, बल्कि इन कुर्बानियों के बाद बेशक या अय्युहल्लज़ीन आमनू का टाइटल तो मिल गया, लेकिन अब ईमान को, ईमान के लिए कुर्बानियों का वक्त। बेशक घर बार को छोड़ दिया, लेकिन अब उन लोगों को जो मदीने के अंदर हैं और वो लोग जो मक्के से आए हैं, अब वक्त है कि कुर्बानियां पेश करें। और फिर वो गजबात हुए जिनकी तादाद मैंने शुरू में आपसे अर्ज की कि 83 गजबात। अगर 83 गजबात और सराया को आप 10 साल की जिंदगी पर तकसीम करें तो तकरीबन हर महीने एक जंग बैठती। इसका मतलब यह है कि मदीने के अंदर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को चैन नहीं मिला, वहां सुकून नहीं मिल सका, वहां भी आपने तकलीफें बर्दाश्त की। और तकलीफें बर्दाश्त करते करते 23 साल की जिंदगी के बाद या 21 साल की जिंदगी के बाद जब मक्का मुकर्रमा फतह होता, आज वो वक्त है कि जहां से कुफार की कमर टूट चुकी और अब बिला शिरकत गैरे आप पूरे जजीरतुल अरब के आप हुक्मरान आला हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, आज आलम यह है कि जब आप मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एहसास तशक्कुर के तौर पर आपकी गर्दन इतनी झुकती चली गई है कि ऊंट की कोहान से मिल गई। आज फख्र नहीं है, गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। आज ये आलम है कि जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो आपकी जबान पर एक ही जुमला था कि हर शख्स को अमान दो। अबू सुफियान जो इस्लाम का सबसे बड़ा उसका दुश्मन था, जो बाद में मुसलमान हो गए रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहा कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो हथियार डाल दे उसके लिए अमान है, जो औरत हो उसके लिए अमान है, जो बच्चा है उसके लिए अमान है। आज सबके लिए अमान है, आज सबके लिए अमन सुकून है, इसलिए कि आज दुनिया का कोई फातह बादशाह नहीं आ रहा है, बल्कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातहाना मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यह है वो फदर गुदर की बात। कुफार मक्का सामने, वो जालिम के जिन्होंने 13 साल तक वो जुल्म सितम किए कि जिसके तसव्वुर से जैसे मैंने अर्ज किया कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज वो तमाम जालिम मौजूद हैं। आज नदामत से उनके सर झुके हुए हैं, नदामत से उनके सर झुके हुए हैं। अब वक्त था कि उनसे इंतकाम लिया जा सकता था, उनसे खून कह के हिसाब लिया जा सकता था।
आज उनके जुल्मों का बदला चुकाया जा सकता था। साहबा किराम बेचैने के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूं। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तो उनका भी ये कहता था लेकिन आज उसका एतराफ हो रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप करीम इब्ने करीम हैं, हमें आपसे किसी खैरी की तवक्को हो सकती है, आपकी तरफ से किसी ज्यादती की तवक्को नहीं हो सकती। फरमाया इज़हबू वा अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम, जाओ तुम सब आजाद हो, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, मैं किसी से कोई इंतकाम और कोई बदला नहीं लूं। बल्कि यहां तक कि उस्मान इब्ने मज़ऊन को आपने फरमाया कि इधर आओ, उस्मान आ गए, उस्मान गनी नहीं थे, दूसरे उस्मान, उस्मान इब्ने मज़ऊन, आपने फरमाया उस्मान इधर आओ। आपका यह कहना था कि उस्मान कांपने लगे, आपने शफकत से फरमाया कि इधर आओ, तुम्हें वो रात याद है कि जब मुझे अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म दिया गया था और मैं हिजरत करते हुए मैं चाहता था कि आखिरी मर्तबा में बैतुल्लाह को अच्छी तरह से ज्यारत करूं, खूब अल्लाह की मैं बंदगी करूं, रात भर अल्लाह के सामने मैं रोऊं और अल्लाह से सब कुछ अपनी उम्मत के लिए मांगूं। मैंने तुमसे आकर कहा था कि उस्मान मुझे तुम चाबी दे दो, लेकिन उस्मान तुमने किस कदर अजीब मुझे जवाब दिया था और ये कहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान तो जा सकती है लेकिन उस्मान के हाथ में चाबी वो आपके हाथ में नहीं जा सकती। आपने फरमाया उस्मान वो वक्त तुम्हें याद है, तुम्हारे हाथ में आज भी बैतुल्लाह की चाबी मौजूद है, ये चाबी मुझे दे दे। आपने चाबी ले ली, फरमाया कि उस्मान ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला। बात सिर्फ ये है कि अगर कोई इंतकाम का जज्बा होता, अफ़्फ़ दरगुज़र का जज्बा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना होता तो आज बड़ा अच्छा मौका था कि इंतकाम लिया जा सकता, लेकिन बात सिर्फ ये है कि बाज़मत वही होते हैं कि जो अजमतों पर पहुंचने के बाद भी आजिज़ी इख्तियार करते हैं, जो झुकते हैं अपने परवरदिगार के सामने, किसी इंसानी मखलूक किसी इंसान के ऊपर अल्लाह की मखलूक के ऊपर वो जुल्म और ज्यादती नहीं करते। इसलिए कि दरख्त जब फलदार होता है तो उसकी शाखें झुक जाया करती, झुकती है उसकी शाखें, वह ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाती। तो इसी तरह से जब अब ताला शानू किसी को अजमत अता फरमाए, वो वक्त देखने का होता है कि वो बड़ाइयों का अंदाज इख्तियार करता है, तकबुर का अंदाज इख्तियार करता है, इंसानियत के लिए जालिम बन जाता है या इंसानियत के लिए रहमत का पैकर बन जाता है, यह वक्त होता है देखने। काश कि आज हम अपने माशरे के अंदर अफ़ दरगुज़र के इन अंदाजों को इख्तियार करें, हम एक दूसरे को माफ करने का जज्बा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का अपने अंदर जज्बा पैदा करें। तो मोहतरम हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि फतेह मक्का का मौका बड़ा अजीब गरीब मौका था। आपने हजरत उस्मान से बैतुल्लाह की चाबी लेकर फरमाया कि उस्मान ये चाबी मुझे दे दे, अब मैं ये चाबी उसको दूंगा कि क़यामत तक उसके घर के अंदर यह चाबी उसकी सआदत के तौर पर समझी जाएगी। हजरत उस्मान अपने फैसले के लिए मुंतजिर थे कि गालिबन आप चाबी किसी को देने के बाद फिर मेरी जिंदगी का फैसला फरमाएंगे। नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाबी मैं उसको दूंगा कि अब क़यामत तक उसी के खानदान की मीरास रहेगी। तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दिल धड़कने लगे, हर शख्स चाहता था कि मेरे खानदान को सआदत नसीब हो जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद फरमाया चाबी को हाथ में लेकर, उस्मान आ गया। हजरत उस्मान समझे कि अब मेरी जिंदगी का फैसला पहले होगा, इसलिए कि मैंने बहुत बड़ा आपके साथ जुल्म किया था, लेकिन यह जात कोई दुनिया की उन अंदाज से कोई शख्सियात में से नहीं थी कि जो ताकतवर होने के बाद दूसरों पर जुल्म करते हैं, बल्कि नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि पैगंबर आखिर जमा है, यह रहमतुल्लिल आलमीन है। आपने फरमाया उस्मान तुमने मुझे चाबी देने से इनकार सिर्फ एक लम्हे के लिए किया था, लो ये चाबी लो, अब क़यामत तक तुम्हारे खानदान की मीरास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दरहकीकत हमारी सबकी कामयाबी इसी बात के अंदर है कि हम उस अंदाज से कुर्बानियां पेश करें जिस अंदाज से सहाबे किराम ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की, अपनी जान से, माल से, आबरू से, इस्लाम की अजमत के लिए अपनी तमाम अजमतों को हम कुर्बान करने वाले बन जाएं। दरहकीकत यहीं से कामयाबी की जमाना शुरू होती है। आज वक्त है
कि सारी दुनिया, जैसे मैंने अर्ज किया कि प्यासी है, उनको कोई नेक बात बताने वाला नहीं। आप उठें, उठने के बाद सारी दुनिया के अंदर इस्लाम के इस सच्चे पैगाम को पहुंचा दें। इसी के अंदर दीन और दुनिया की हमारी भलाई है।